गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ मेरी तरह बढ़िया ही होगे। सो आज हम बात करने वाले हैं डाइट के ऊपर, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कितना कैलोरी लेना चाहिए और मेरा क्या डाइट है, डेली रूटीन है डाइट का। जैसे कि आपको पता है आज बारिश का मौसम है, पूरा हमारा सरफेस गीला हो चुका है। मैं सोच रहा था कोई वर्कआउट के ऊपर वीडियो निकालूं, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा सरफेस एकदम गीला हो चुका है। हालांकि मैंने बता दिया है क्या क्या डाइट लेना चाहिए, सबको पर्सनली बताया है क्योंकि एक सीक्रेट है, ठीक है। और जैसे कि देख पा रहे हो आपका भाई 6 बजे उठा है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को लाइक कमेंट और पूरा देखना प्लीज़। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, कुछ मिथ्स और डाउट क्लियर करने वाला हूँ आपका। और कितना कैलोरी लेना चाहिए आपको फैट लॉस के लिए, कितना कैलोरी गेन करना चाहिए, कितना कैलोरी सरप्लस में रहना चाहिए अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो और थोड़ा मोटा होना चाहते हो कि आपका मसल जिस तरह की विजिबल हो सके। बाइसेप का पंप देख रहे हो, सुबह का पंप है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया हूँ, ठीक है। और हाँ, मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन और कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आपको एकदम परफेक्ट बता पाऊँ। मैं मेरा ओपिनियन 4 साल से जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जो डाइट ले रहा हूँ, उसी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। और आपका अगर कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हो, हम ज़रूर बात करेंगे इसको बारे में। और इंस्टाग्राम पे भी आप आके फॉलो कर सकते हो, sixpack_satya, वहाँ पे भी बात करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर। पहाड़ी तो बनती है, जब आप एक बिगनर यूट्यूबर हो और इस तरह के सेटअप लगा लेते हो तो बहुत 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 खुशी मिलती है यार। तुम नहीं समझोगे अगर तुम एक यूट्यूबर नहीं हो और एक जुगाड़ का दुकान, मतलब जुगाड़ का आइडिया नहीं है आपके पास, ठीक है। वैसे भी एक चेयर के ऊपर रखा हूँ, वैसे भी देख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अपना डाइट आपके लिए लिख लिया है, आप भी एक पेन और पेपर लो और नहीं तो सिर्फ सुनो, मैं भी आपको बहुत इजीली बताऊंगा जो कि आपका याद भी रह सके और आप हर दिन फॉलो भी कर सकते हो। कोई भी, मतलब कोई भी बॉडी बिल्डर वाला या कोई भी नेचुरल एथलेट का जो डाइट है वही आपको बताऊंगा एकदम लेमैन तरीके से, एक सिंपल जो फॉलो करने वाला हो सके। पहले हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तो पहले हम सुबह उठकर थोड़ा पानी पिएंगे, 1 लीटर हो या 1.5 लीटर हो, जो भी हो पानी पियो पहले, और बिना ब्रश करके पीना, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था ब्रश ना करके पीने से आपका मुंह में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो पेट के अंदर जाते हैं और एकदम सुकून मिलता है, ठीक है। विदाउट ब्रश ड्रिंक सम वाटर लाइक 1 लीटर या 2 लीटर, ठीक है। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। ब्रेकफास्ट में आप रख सकते हो, क्या रख सकते हो, हाई प्रोटीन डाइट रखो, ठीक है। अगर आप नॉन वेज हो तो बहुत ही बढ़िया है, आप कोई बॉयल एग या कोई कुछ भी खा सकते हो, नॉन वेज में बहुत ही सारे प्रोडक्ट हैं, स्पेशली एग्स है। अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आप कॉम्प्लेक्स का आपसे ऊपर फोकस कर सकते हो विथ सम प्रोटीन, ओके। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, एक जो आता है एक मांडिया जाओ, मुझे नहीं पता हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, बाजरा शायद बोलते हैं, उसका जो सोरिस, जो कुकिंग में जो सोरिस यूज होता है उसका ही उसी के तरह दिखता है, उसको मांडिया बोलते हैं। उसको ग्राइंडिंग करके उसको पानी थोड़ा लगा, पानी में गरम कर लूँगा, उसके बाद मैं खाता हूँ। और उसके साथ थोड़ा मिल्क भी ऐड कर लेता हूँ और कभी कभी थोड़ा दही भी ऐड कर लाता हूँ, अगर कुछ नहीं हो तो थोड़ा
रोस्टेड पीनट्स हैं हमारे घर में हमेशा हो रहता है, उसको भी कभी ऐड कर लेता हूँ। सो मेरा ब्रेकफास्ट डन। और कुछ अगर ऐड करने के लिए मन किया तो मैं सीधा कोई फ्रूट्स ऐड कर सकता हूँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक केला या एक एप्पल, और वो भी नहीं है तो आप एक रॉ वेजिटेबल खा सकते हो, जैसे कि टमाटर हो गया, गाजर हो गया, या क्यूकम्बर ककड़ी, वो भी खा सकते हो। फाइन है, कोई बात नहीं। अगर भूख लग रहा है तो कंट्रोल करो, लंच तक दबा कर खाना है, ठीक है? दबा कर नहीं खाना है, जितना भूख है उतना खाना है, भूख खत्म होने के बाद खत्म। ओके, स्लो स्लो खाना है, खाने को मेरे तरह राक्षस की तरह नहीं निकलना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट गया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, उसके बाद हाँ लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में 2 से 3 लीटर पानी पीना है, क्योंकि आप जो खाए हो जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो हाई प्रोटीन क्यों, क्योंकि वो भी आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आप हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हो। सो आप उसी को डाइजेस्ट करने के लिए आपको पानी पीना चाहिए 2 से 3 लीटर, ठीक है? पानी सबसे इम्पोर्टेंट है, पानी और वेजिटेबल जो आप खाते हो उसको हजम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और हाँ, सुबह उठकर चाय या कॉफ़ी मत पीना, आप और कोई टाइम पे पी सकते हो, लाइक इवनिंग, और जब आपको एकदम बोरिंग फील हो, लाइक इवनिंग में आप हमेशा बोर होते हो मेरे तरह, पता है आपको, सो आप कॉफ़ी पी सकते हो, जिसमें आपका चीनी ज़्यादा नहीं हो, और मिल्क डाल सकते हो, चीनी की लेकिन ज़्यादा नहीं हो, और उसको आप पीकर वर्कआउट भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉफ़ी में एक बहुत ही अच्छा मतलब माइंड मसल कनेक्शन मिलता है, आपको पता होगा, वो भी ट्राई कर सकते हो। चाय या कॉफ़ी सुबह नहीं पीना है, ठीक है? और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में पानी पियो, उसके बाद भूख बहुत जोर से लगेगा। उसके बाद आप चावल 200 या 300 ग्राम चावल ले लो, और उसके साथ कुछ कोई कुछ भी डाल ले सकते हो, बहुत तरह के डाल है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो दाल ही आपका जिंदगी है, ठीक है? और पनीर का करी भी ले सकते हो उसके साथ, और कोई भी चीज ले लो, वेजिटेबल का करी जो होता है आप हमारे इंडियन घरों में, वो भी बहुत ही अच्छा है। कुछ भी उसको मतलब इतना सैड फील मत करो कि मेरे पास हाई प्रोटीन डाइट नहीं है, मैं क्या खाऊं क्या खाऊं, जो हो रहा है वही बेस्ट है, मैं बोलता हूँ जो हो रहा है वही बेस्ट है, क्योंकि आप अगर उसी को लेकर सैड फील करोगे तो दिन भर सैड फील करते रहोगे और कुछ भी फायदा नहीं है, और वे प्रोटीन के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, ठीक है? सो वे प्रोटीन के ऊपर भी वीडियो आएगा। हाँ, अगर आप बिगनर हो तो वे प्रोटीन भी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको एक मोटिवेशन आ जाता है, एक बूस्टअप आ जाता है। पहले पहले मैं भी 4-5 डब्बा वे प्रोटीन और मास गेनर का ख़त्म कर चुका हूँ, और अभी कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, 2 साल हो गया नो वे प्रोटीन। सो अगर आपको बजट में एक वे प्रोटीन का लिस्ट चाहिए, टॉप 10 वे प्रोटीन इन बजट, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं बताना, नहीं बताओगे तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है? अगर बताओगे तो बनाऊंगा, लेकिन मेरा काम ही है बनाना, ठीक है? बनाऊंगा बनाऊंगा, लेकिन कमेंट करके मुझे थोड़ा मोटिवेशन दे दो यार। उसके बाद लंच में आप क्या खा सकते हो, मैं हमेशा अपना टॉपिक से बाहर निकल जाता हूँ, सो आई एम सो सॉरी। सो राइस खा सकते हो, उसके साथ दाल खा सकते हो, उसके साथ सोया का करी खा सकते हो, उसके साथ पनीर खा सकते हो, उसके साथ छोले या राजमा, ये सब दाल भी ट्राई कर सकते हो। और नॉन वेज हो तो चिकन खा सकते हो, मटन खा सकते हो, एग खा सकते हो, और कुछ भी खा सकते हो, फिश खा सकते हो, और भी बहुत सारे नॉन वेज का आइटम है। मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप नॉन वेज छोड़ दो, क्योंकि कोरोना हो सकता है उसमें। जैसे कि देख सकते हो हमारे घर के आसपास नॉन वेज के दुकान को बंद कर दिया है, क्योंकि पता नहीं यार क्यों बंद किया है, गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट बहुत सारे रिसर्च कर कर किया है, तो नॉन वेज को थोड़ा दूर ही रखो खुद से, क्योंकि अभी कोरोना टाइम चल रहा है। जैसे कि आप जान सकते हो चाइना से जो आ रहा है वो नॉन वेज खाकर ही वो वायरस आ रहा है, क्योंकि सब वायरस नॉन वेज में ही होते हैं। जो आप चिकन खा रहे हो
वो क्या खाकर बना रहा है उसका जो बॉडी बन रहा है, किसी का पॉटी, किसी का सुसु, किसी का कोई इंसेक्ट, इंसेक्ट मुझे पता नहीं, जो कीट पतंग होते हैं उसी को खा के वो बॉडी बना रहा है जो आपका जो चिकन ब्रेस्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है, खाओ, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा इंटेंस नहीं था। अगर आप स्पिरिचुअलिटी पाथ में जा रहे हो तो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप नॉन वेज को कटअप करना पड़ेगा, ठीक है? सो माइंड को यूज करो और अभी खा लो यार, कोई बात नहीं, आपका मर्जी, ठीक है? मैं कोई नहीं कहने वाला, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ अपने घर में, ठीक है? हमारे घर में वही पढ़ाया जाता है क्यों नॉन वेज नहीं खाते, क्यों आप नॉन वेज के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, नॉन वेज का डीमेरिट क्या है, और इसी तरह की चीज़ पढ़ाया जाता है। और नॉन वेज ना खा कर भी मेरा बॉडी देख सकते हो, ठीक है? ये रहा लार्ज, ये रहा बाइसेप, ये रहा चेस्ट, ये रहा शोल्डर, ओके? नॉन वेज भी बंद करो। अरे कोई बात नहीं, नॉन वेज खा सकते हो, ठीक है? हाँ तो अगर, हाँ थोड़ा घी भी ऐड कर सकते हो, मैं भी घी खाता था पहले, अभी घी नहीं ला रहे हैं पापा, लेकिन बोलूँगा घी लाने के लिए। काओ घी खा सकते हो क्योंकि घी हमारा एक नेचुरल फैट्स होता है, आपका चार तरह की, मैंने सबको बताया है चार तरह की खाना होते हैं, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन और मिनरल्स जो वेजिटेबल से आते हैं। कार्ब्स हमारा राइस, रोटी और उसी से ही आता है, इस तरह के कार्ब्स तरह के प्रोडक्ट, वो आपका एनर्जी देता है। सो डोंट कंट्रोल योर कार्ब्स का, जो होता है ना कार्ब्स कम करने से फैट लॉस हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, इसलिए भात का खाना कम कर देते हैं, रोटी खाना बंद कर देते हैं, कीटो डाइट में चले जाते हैं। सो डोंट, अगर आप लोअर बॉडी फैट परसेंटेज भी अभी आ गए, अगर आपका एनर्जी नहीं है कुछ करने के लिए, सारा दिन मोबाइल पकड़ कर बैठे रहते हो, सोते रहते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कोई फायदा नहीं है आपका जो लोअर बॉडी फैट परसेंटेज में आना, ठीक है? इसीलिए डोंट, छोड़ो, दबा कर खाओ और दबा कर एक्सरसाइज करो, ठीक है? उसके साथ थोड़ा घी खा लो, घी क्योंकि नेचुरल फैट्स होता है, घी में होता है और मिल्क प्रोडक्ट में होता है नेचुरल फैट्स, और नॉन वेज पे भी तो होता ही है। मैं नॉन वेज के बारे में बताना नहीं बताऊंगा क्योंकि नॉन वेज में सब होता है, और सब होता है, रोग भी सब होता है, ठीक है? सो आप करेगा घी हो गया, नेचुरल फैट्स और बादाम, मतलब बादाम, पीनट्स, वो जो सीड के आइटम है, सीड्स, जिया सीड्स, वो सब में नेचुरल फैट्स होता है, फैट्स आपका डाइजेस्ट करने के लिए और आपका स्किन क्लियर करने के लिए और आपका ये सबको कंट्रोल करता है, ठीक है? उसके बाद आ गया आपका घी गया, और उसके बाद पानी पियो ब्रेकफास्ट के बीच, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच पानी पियो, सुबह उठकर पानी पियो, और लंच और इवनिंग स्नैक्स के बीच भी पानी पियो। भूख को आप कंट्रोल कैसे करोगे, भूख को कंट्रोल कैसे करोगे, फैट बर्निंग सप्लीमेंट लेके? नहीं, पानी एक आपका सबसे इम्पोर्टेंट फैट बर्निंग सप्लीमेंट है, आपका फैट को कंट्रोल करता है। अगर आपके पास सो भी नहीं, मतलब पानी ज़्यादा पीने की दिल नहीं कर रहा है लेकिन पीना चाहिए, नहीं कर रहा है तो आप कॉफ़ी भी पी सकते हो क्योंकि वो भी एक स्लो डाइजेस्टिंग, मतलब आपका कंसंट्रेशन रहता है और ज़्यादा भूख नहीं लगता है, और आप स्लो डाइजेस्ट प्रोटीन भी एक आता है, वो है दही, जो आपका आप सुना होगा प्रोटीन, केसिन प्रोटीन एक आता है जो कि वो बॉडी बिल्डर लोग रात में पीकर सोते हैं। केसिन प्रोटीन क्यों खाता है, क्योंकि उनको रात भर वो 12 घंटे या 8 घंटे सोते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए 8 घंटे लगता है केसिन प्रोटीन, और केसिन प्रोटीन आपका दही से ही आता है, वो प्रोटीन आपका मिल्क से ही आता है। सो आप दही ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपका दही पीने से आपका स्लो डाइजेस्ट होगा और आप ज़्यादा खाने के लिए व्याकुल नहीं हो गए, ठीक है? मेरा हिंदी देख रहे हो, उड़िया से मैं हिंदी आ रहा हूँ कितना, ठीक है? उसके बाद इवनिंग स्नैक्स में क्या खाए,
इवनिंग स्नैक्स और लंच के बीच में बोलूंगा आप वर्कआउट करो। अगर मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, आपका एनर्जी नहीं आ रहा है, आप नहीं उठ पा रहे हो, तो आप इवनिंग और लंच और इवनिंग स्नैक्स के बीच वर्कआउट करो। थोड़ा सा पानी पियो या पानी साथ में रखो वर्कआउट के बीच में पियो, या कॉफ़ी पीकर वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, या कोई फ्रूट्स या कोई वेजिटेबल खा के वर्कआउट कर सकते हो। और कुछ हैवी खाना मत खाओ, जो कि जब आप वर्कआउट करोगे तो आपका ब्लोटिंग फील हो, बाहर आने के लिए मतलब तरस रहा होगा वो खाना, ठीक है। ज़्यादा हैवी मत खाओ। और वर्कआउट करना है 1 से 1 घंटा मैक्सिमम, 45 मिनट मिनिमम, ठीक है। और वर्कआउट करो, ठीक है, इम्पोर्टेंट है वर्कआउट। अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो बहुत स्लो आपका फैट लॉस होगा, लेकिन होगा लेकिन बहुत स्लो फैट लॉस होगा। इसलिए वर्कआउट ऐड करो और इवनिंग स्नैक्स क्या खाओगे उसके बाद, वर्कआउट के बाद जो पोस्ट वर्कआउट मील होता है, जो मेरे लिए होता है, ठीक है, आपके लिए मुझे नहीं पता, मेरे लिए होता है, कोई फ्रूट्स खा लेता हूँ, कोई ग्रीन मूंग और चने जो भिगा कर रखता हूँ सुबह से, उसको भी खा लेता हूँ। और आप भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है। उसके बाद हाँ, और एक इम्पोर्टेंट, अगर आप लंच में दाल बना रहे हो तो आप मम्मा को बोलो थोड़ा दाल रख ले, क्योंकि मुझे बहुत सारे जंक फूड खाने के लिए दिल कर रहा है, इसीलिए दाल भी रख सकते हो। फॉरगेट तो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जब मैं वीडियो बनाता हूँ, कंट्रोल होते कंट्रोल, ठीक है। आप लंच आवर के दाल भी रख सकते हो, क्योंकि दाल एक सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। अगर आप दाल नहीं खा रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं दाल खा लेता हूँ, मतलब दाल थोड़ा रख लेता हूँ, उसमें आप मैं थोड़ा बादाम डालकर दाल खा लेता हूँ। मेरे एक इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाला था, देखा होगा कि मेरा पोस्ट वर्कआउट मील दाल और मूंग और सोया सोया को बॉईल करके थोड़ा उसके साथ कोई एक टमाटर खा लेता हूँ, क्योंकि सोया को आप कंचा मतलब बॉईल खा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा वेजिटेबल ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि 2 टमाटर खा लेता हूँ। आप जितना चाहे उतना खा सकते हो, आपके दांत खट्टे नहीं होना चाहिए डिनर में, क्योंकि डिनर भी खाना है। और कुछ ककड़ी या गाजर भी खा सकते हो, मैं भी वही भी खाता हूँ, सब मिलाकर खाता हूँ। मैं इवनिंग में दबा कर खाता हूँ और मॉर्निंग में थोड़ा फास्टिंग स्टेज में रहता हूँ, पानी पी पी कर फास्टिंग करता हूँ, ओके। क्योंकि मैं रात में पानी नहीं पी पाता हूँ, इसलिए मैं दिन में अपना वाटर गोल फुल कर लेता हूँ। सो आप भी वही करो, या आपका अगर कोई डिफरेंट है, आपका गोल कोई डिफरेंट है, तो आप डिफरेंट भी अपना मतलब आपका जो क्या होता है आपका वर्कआउट, और क्या वर्कआउट वर्कआउट कर रहा हूँ यार, अपना डाइट प्लान चेंज भी कर सकते हो। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे लिए सुइटेबल है, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए आप भी फॉलो कर सकते हो, या अपना डिफरेंट भी बना सकते हो। और जो भी बनाओ अपना कमेंट सेक्शन में बताओ, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और हाँ, दाल हो गया, सोया हो गया, और पीनट्स के साथ खाओ दाल, और नॉन वेज भी खा सकते हो, जो भी एक ऑमलेट हो गया, एक भुर्जी हो गया, जो भी हो उसके खा सकते हो। मैं नॉन वेज क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपका घर में हमेशा नॉन वेज होगा या नहीं हो पाएगा, इसीलिए नॉन वेज नहीं बता रहा हूँ, वेजिटेरियन हमेशा होगा, ठीक है। इसीलिए आपको वेजिटेरियन के ऊपर ज्ञान पेल रहा हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। उसके बाद इवनिंग में आप वर्कआउट करके खा लो इवनिंग स्नैक्स या पोस्ट वर्कआउट मील। उसके बाद डिनर क्या करें, डिनर में आप रोटी खा सकते हो, चावल खा सकते हो, जो भी खा सकते हो। रोटी और चावल दोनों सेम है, सेम कैलोरी है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप चावल बंद करके रोटी नहीं खाओगे तो कोई जरूर मतलब इतना भी फायदा नहीं होगा, आप अगर कैलोरी सरप्लस में नहीं जा रहे हो। और उसमें आप रोटी खा सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल खा सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ करी खा सकते हो, और खिचड़ी खा सकते हो। खिचड़ी सबसे अच्छा लगता है मेरे को। खिचड़ी में पता है आपको, इंडिया का सबसे बेस्ट खाना है खिचड़ी। अगर आपका पेट में मतलब कुछ चल रहा है तो आप खिचड़ी भी ट्राई कर सकते हो। और रात को अगर आप के पास मिल्क
है गाय का सुविधा है, तो आप ट्राई कर सकते हो। मिल्क, मक्खी बैठ रहा था मेरे नाक, मिल्क के साथ थोड़ा हल्दी डाल लो क्योंकि उसका फ्लेवर थोड़ा इन्हांस हो जाएगा। मैं भी वही करता था, मिल्क में हल्दी डालकर खाता था। और हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट में बता रहा हूँ, आपका कैलोरी काउंट कैसे करते हैं, ठीक है? आप कैलोरी काउंट, आपका मेंटेनेंस कैलोरी कैसे, आपका मेंटेनेंस कैलोरी एक होता है जो आप डेली क्या एनर्जी चाहिए, ठीक है? अगर आप डेली काम कर रहे हैं उसके लिए मेंटेनेंस कैलोरी है आपका बॉडी वेट के साथ 22 इंटू कर दो। जैसे कि मेरा बॉडी वेट है 75, मेरा कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी है 75 इंटू 22, 1650। मेरा मेंटेनेंस नो, वो जो डेली कैलोरी होता है जो एनर्जी देता है, जो डेली काम करने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, पढ़ने के लिए, ये सब का बोलने के लिए, इसके लिए हमको 1650 कैलोरी मेरे को चाहिए। आपको जितना चाहिए आपका बॉडी वेट के, बॉडी वेट इन केजी, ओके, बॉडी वेट के साथ 22 इंटू कर ले, उतना है आपका मतलब नीड कैलोरी, कैलोरी नीड, ओके। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, जितना निकला आपका जो नॉर्मल कैलोरी, उससे आप 1.8 इंटू कर लो। मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है, वही कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी, ठीक है? मेंटेनेंस कैलोरी है 1650 हो जाए, हो नॉर्मल कैलोरी, उसके साथ 1.8 अगर इंटू कर लिया उसका, मेरा निकला 1970, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3000 है मेरा मेंटेनेंस कैलोरी, ओके। मेंटेनेंस कैलोरी से अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपका मसल बिल्डिंग होगा, अगर आप पतले हो तो मसल बिल्डिंग होगा, थोड़ा मोटा दिखोगे लाइक मी मस्कुलर बल्क लाइक ए हल्क, ठीक है? बल्किंग भी करना है, बल्किंग सबसे इम्पोर्टेंट है लाइक मी। और उसके बाद 3000 कैलोरी से थोड़ा अगर कम खाते हो, लाइक मैं नहीं करता हूँ कि 2050 जो 2050 क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा कम खा रहे हो तो आप फैटलेस करने लगोगे। और मैं नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा घटाओ, लेकिन 500 या 1000 कैलोरी घटाओ, 100, 200, 300 इसी तरह आगे घटाओ, मतलब फैटलेस के लिए 270 ग्राम कैलोरी चाहिए आपको, 270 कैलोरी आपको चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं मैथ में बहुत वीक हूँ, ठीक है? इसलिए आपको मेंटेनेंस कैलोरी भी कैलकुलेट करो, और अगर आपके पास मेंटेनेंस कैलकुलेट कैलोरी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप एक ऐप है हेल्दी फाई मी, हाँ हेल्दी फाई मी डाउनलोड करो। और उसमें मैं इतना यूज़ नहीं करता, उस आपको मैं सिर्फ डाउनलोड करके रख दिया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, सब इसमें लिखो, और आप भी अपना मेंटेनेंस कर लो, आप बता देगा। लेकिन हाँ, उसमें और एक चीज़ ऐड होता है कि आपका जो खा रहे हो उसमें, जो आप जिस तरह की दुकान से ला रहे हो जो ग्रोसरी आइटम, वो वेट करके देता है, इसी तरह आप खाओगे तो आप वेट कर कर खाओगे। 200 ग्राम खाओ राइस, इसी तरह से बोलेगा, मतलब 200 ग्राम, ओके, मेजरमेंट मशीन होगा, उसमें आप राइस का प्लेट रखोगे, उसमें राइस वेट करोगे और वो 200 ग्राम उसमें लिखोगे, उसके बाद उसको एक अप्रोक्सीमेटली करेक्ट कैलरी आपको लिख कर देगा। और पता है जैसे कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बहुत सारे दिन, जब क्या यार खा लो, अगर आपको वेट नहीं गेन हो रहा है, थोड़ा 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 वेट मतलब खाना का खाने को बढ़ाओ, और वेट लॉस नहीं हो रहा है, थोड़ा 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 करके कमाओ, ठीक है? अगर आप रोटी ले रहे हो, 3 रोटी ले रहे हो, तो 2 रोटी लो या 2 रोटी हाफ लो, और आप भा मतलब चावल इतना ले रहे हो तो इतना लो, थोड़ा सा कमाओ और थोड़ा हाई मतलब प्रोटीन को बढ़ाओ, और थोड़ा फ्रूट्स ऐड करो, थोड़ा पानी पियो, उसके बाद आपका फैट लॉस अपने आप हो जाएगा। अगर आप थोड़ा वेट गेन करना चाहते हो तो थोड़ा कैलरी सरप्लस में खाओ, थोड़ा कार्ब्स खाओ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ, ठीक है? और अगर आपको प्रोटीन के बारे में जानना चाहते हो, तो आप
10 बजट वे प्रोटीन एंड बेस्ट वे प्रोटीन तो कमेंट सेक्शन में बता दियो। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू बाय। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया लेकिन प्लीज देख लेना यार, मैं बहुत ही मेहनत से बहुत ही कॉन्फिडेंस हुआ हूँ इसीलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत ही नॉलेज लिया हूँ इसीलिए आपको दे रहा हूँ, इसीलिए मेरा नॉलेज काम। प्लीज पूरा देखना वीडियो। सी यू बाय, टेक केयर।